हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग वोल्टास का इन्वर्टर R32 इसका गैस टॉपअप करेंगे। इसमें आपका हाफ से गैस लीकेज था, इसका हाफ का जो यहाँ से गैस लीकेज था, इसे हम लोग कटिंग करके फ्लेयर फिर से बना के बना दिए। ये फ्लेयर थोड़ा ख़राब था, इसका ख़राब था, तो फ्लेयर कटिंग करके इसको बनाए हैं। अभी हम लोग इसे टॉपअप करेंगे। अभी इसको रनिंग स्टार्ट किए, मशीन स्टार्ट होता है तो आपको हम दिखाते हैं टॉप अप कैसे करना है। रनिंग मशीन में टॉप अप कैसे करना है सो बताते हैं। टॉप अप करने से बहुत से भाई लोग डरते हैं, तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगर नॉलेज आपको पूरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो गैस था उसको मैं बैक किया पहले। बैक करने के बाद इसका फ्लेयर बनाया। फ्लेयर करने के बाद गैस को मैं खोला नहीं हूँ, क्योंकि इंडोर यूनिट में एयर चल गया था। उसको फिर वैक्यूम किया गया है अच्छा से। वैक्यूम करने के बाद उसके बाद मैं इसे लैंकी खोल दिया हूँ। मशीन को अभी रनिंग करूँगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, मशीन रनिंग हो गया है। अब मैं इसका बैक प्रेशर आपको दिखाता हूँ कितना है। उस हिसाब से मैं अब ये स्टैंडिंग प्रेशर है, इसका स्टैंडिंग प्रेशर है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसका रनिंग प्रेशर कितना है, इसमें कितना गैस कम है, गैस कैसे डालना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका आपका आपको मालूम 110 120 इसका PSI है बैक प्रेशर का। कुछ ज़्यादा गैस इसमें कम नहीं था, थोड़ा सा गैस कम था। इसका बैक प्रेशर आपका 60-70-80 है। आपको पता होना चाहिए ये भी बात कि कंप्रेसर फर्स्ट टाइम में 100% RPM में नहीं चलता है। 1 से 2 मिनट के बाद वो 100% RPM में चलता है। कंप्रेसर जब 100% RPM में चलेगा तभी बैक प्रेशर परफेक्ट बताएगा। आप अगर स्टार्टिंग में कोई भी इन्वर्टर AC का चेक करते हैं तो उसका 100% RPM में कंप्रेसर नहीं चलता है, और जिसके कारण बैक प्रेशर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है 115 PSI। लेकिन अगर यही आपका अभी 100% RPM में चलेगा मशीन, तो अभी आप देखिएगा इसका जो PSI है वो घट जाएगा। तो कभी भी मशीन का अगर गैस आपको चेक करना है या गैस डाले है या कुछ भी किए है, तो 5-10 मिनट चलने के बाद जब कंप्रेसर 100% RPM में चले, 100% RPM में, तभी बैक प्रेशर आपको प्रॉपर बताएगा। तो जैसा कि अभी रनिंग कंडीशन में है, थोड़ा सा अभी इसको अब देखिए, अभी इसका कंप्रेसर का स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसका प्रेशर घटना, क्योंकि ये इन्वर्टर AC है, जब जब तक इसका सेंसर सेंस नहीं करेगा रूम का टेम्परेचर को, तब तक इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसका PSI अब घटना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये घट के कितना जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे टॉप अप करूँगा। थोड़ा सा इसको घटने देते हैं। और ज़रा हम लोग कंपनी में फ़ोटो बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोटो आपको कितना गैस है मशीन में वो दिखाना पड़ता है, सीरियल नंबर, क्लैम मीटर, एम्पियर, सब कुछ। तो एक फ़ोटो मैं क्लिक करूँगा अभी, इसमें कितना गैस है और कितना एम्पियर लेके चल रहा है। उसके फाइनल में मैं आपको दिखाता हूँ। क्लैम मीटर देखिए, एम्पियर हमारी 3.89 है और आपका बैक प्रेशर जो है वो 70 है। तो हम लोगों का कंपनी में क्या है कि हम लोगों को सीरियल नंबर के साथ पूरा फ़ोटो लेना पड़ता है, वो तभी आपका कुछ होगा। ये तीनों को मैं साथ करके, जैसे कि आपको दिख रहा है क्वार्टर माइस आ रहा है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कंप्रेसर इतना देरी चालू कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तक गैस डाल देता फ्रेंड, क्योंकि मुझे क्योंकि आप लोग को बताना मेरा फ़र्ज़ है इसीलिए। फोटो अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, इसमें लिक्विड नहीं डालना है फ्रेंड। कोशिश कीजिए, अगर लिक्विड भी डाल रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे डालना है, क्योंकि लिक्विड डालने से क्या होता है कि आपका कंप्रेसर अंदर में थोड़ा सा झटका लेगा। आप कभी भी लिक्विड डालिएगा तो देखिएगा कंप्रेसर का साउंड चेंज हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि बहुत धीरे धीरे डालें, क्योंकि हम लोग का जो कंप्रेसर है वो लिक्विड को पंप नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए ये लिक्विड को पंप नहीं करता है, ये एयर को पंप करता है। यहाँ से गैस को हम लोग खोल दिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ गैस उड़ा देंगे हम लोग पाइप का। यहाँ से गैस आने लगा, इसे हम लोग बंद कर देंगे।
अब हम लोग यहाँ से गैस को धीरे धीरे डालेंगे। कोशिश कीजिए एकदम हल्का खोल के छोड़ दीजिए, धीरे धीरे गैस जाए, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाए। अगर आप लिक्विड भी डाल रहे हैं तो ज़रा ज़रा लिक्विड जाए, और अगर बंद कंडीशन में ज़्यादा बेस्ट है बंद कंडीशन में डालना, ऑफ कंडीशन में पूरा गैस डाल दीजिए। जितना बेस्ट है बंद ऑफ कंडीशन में गैस डालना, उतना रनिंग में नहीं है। रनिंग में मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल दे रहा हूँ। आप बंद, अगर प्रॉपर वैक्यूम होगा तो आपका जितना ग्राम गैस मशीन में लिखा हुआ उतना ग्राम आराम से ले लेता है, तो आप कोशिश कीजिए कि बंद में ही डालें। तो जैसा कि अभी हम थोड़ा सा गैस बढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम नाम वास्ते गैस डाले हैं। मेरा बैक प्रेशर आ गया है 110 हो गया है। इसे 10-15 मिनट हम लोग चलने देते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी आप अगर टॉपअप करते हैं या आप बैक करने के बाद खोलते हैं, तो ये आर 22 नहीं है कि बैक किए फ्लेयर बनाए फिर गैस को खोल कर टॉपअप कर दिए। आपको वैक्यूम करना जरूरी है, अगर वैक्यूम नहीं कीजिएगा तो प्रॉपर ठंडा नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आ गया हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए, 110 120 PSI होता है, वो आपका बाहर का टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 110 रखना है अगर बाहर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि हमारा एम्पियर भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा गैस कम है, थोड़ा सा और गैस बढ़ा देते हैं। गैस को जितना धीरे डालिएगा उतना बेस्ट है, लिक्विड नहीं डालना है। लिक्विड को पंप नहीं कर सकता हम लोगों का जो कंप्रेसर है। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बाय।